सुन, कोनो लड़का कोनो लड़की से दिल लगा ली हलस, अनी एक तरफा प्यार हो गई विशाल भैया। आज जब लड़किया घरवा से अपनी बहरी जब निकले ना, तो लड़कवा जब देखे वो लड़किया के तो लगे मार पूरा जाठे गोईठे, कहे आए हाय 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 रे, आइए हमार करेजा को फोफी। अरे जब तू घरवा से बहरी निकले लू ना, तो हमार करेजवा थक 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 होला। लड़किया कलस के एकदम पगले हो गई बड़ा का, लड़कवा कलस नहीं। सुना हमारे को बात, उ लड़का लड़की से बतावे, अरे गुजरल नजरी से जब की गुजरिया, मैं पूरा यही ठत बैठत कहता हमार रानी जब तू घरवा में से निकलू ना, तो हमार कवन दशा होला। गुजरली नजरी से जब की गुजरियो भर के लजोर से, गुजरलू नजरी से जब की गुजरियो भर के लजोर से, ये कही बदी कही वो दिल बट सिन के भीतरिया, उहो दिल दे देली तोरे, मैं पगला भइल हुआ का का, का बोलत हुआ लो का सीमा बोलत हुआ, मैंने पगला गोला ना नन गइल हुआ। सीमा हमार नाम हो ना, हम दिल सीना के भीतरिया कर ली। लड़का कहता ये कही बदिल बट सिन के भीतरिया, ये कही बदिल बट सिन के भीतरिया, उहो दिल दे देली तोरे के, सब लोगन के बीच में लेके आई बनी, जैसे ही कि रउआ सब लोग जानत नहीं, हम बिरहा गायिका सीमा सरगम, हमरे आवाज में रउआ सब लोग बहुत गीत सुनले बनी, हमके प्यार दुलार रउआ सब लोगन से मिलल बा। आई रउआ सब लोग बहुत ही कहानी सुनले होई, लेकिन ये बिरहा के भेजे तनी, इस बिरहा को आप सुनेंगे और गौर करेंगे साथी। बिरहा में कवि जी चार लाइन का भूमिका दिहलन, कैसे भैया? नाम रोशन किए प्यार के कुछ दीवाने, इतिहासकारों ने खुलकर बताया, सच्ची कुर्बानियां दे दिए प्यार में, कभी दाग दामन में लगने न पाया, लैला मजनू हुए हीर रांझा सभी, और सोनी महिवाल भी साथ अपने निभाए, और राम निवास वर्णन मैं कितना करूं, चल गए वो मगर
चुकाए ऐसा ना अपन नाम का गेल हुन कि जब तक इस सूरज चांद रही तब तक उन लोगन का नाम रही कि कैसन प्यार कैलन लोग प्यार का परिभाषा होखेला प्यार कैसे निभावल जाला। बिरहा में एगो गजल का टुकड़ा लगल भैया आई पुरान गजलवा लेकिन बतावल जला हीरा भैया जितना पुरान चीज होला उतना समान बड़ा मजेदार होला। कौनो भी समान जितने पुरान होला उतने मजेदार होला। जैसे कि ले लिया जा आजकल का धुन तो ऐसन ऐसन गवैया लोग गावत हुन कि हम का कही इनकी अब रउआ सब समझ ले कि रउआ सब लोग यूट्यूब द्वारा सोशल मीडिया द्वारा देखत नहीं ए समय ढोड़ी तैनार हो गइल बा कुआं हो गइल बा दूध पियावत हुआ सो ओए में खीर खियावत हुआ सो औरी ना तो धानो नो रोपवा दी हलो हुआ सो एगो आइल हो तो पलेस्तरे करावत बा। लेकिन हर चीज देखी ए चीज के कहल जला कि जी सब ताजा ताजा गुरहिया जलेबी छान के धई रहेला हीरा भैया आय हाय हाय रे धई रहेला जैसा रस चुएला टॉप 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 काहे के आगे बढ़त हुआ ढेर आगे मत बढ़ा लग ए भैया ओई सही मजा देई आई कैसे इला कभी पुरान भइल बना कभी पुरान होई भी साल भैया किया ए मुसाफिर मुसाफिर भटकते हो क्या दर बदर आए मुसाफिर भटकते हो क्यों दर बदर जाई लेकिन सच्चाई विशाल भैया जैसे दिल लगल हो भले वो इंसान दूर हो जाई लेकिन प्यार कभी टूटता नहीं है साहब। इसलिए मजबूरी में कहना पड़ा क्या कि टूट सकता मगर प्यार झुकता नहीं मगर प्यार झुकता नहीं जलने वाले सदा इनसे जलते रहे टूट सकता मगर प्यार झुकता नहीं। प्यार ऐसन हो कि सच्चाई बता दें कि जैसे दिल लग जाए। जीवन में प्यार होता है तो केवल एक बार होता है, दोबारा किसी से प्यार नहीं होता है। प्यार यदि हो गया आई तो जो कहल कि हम बार बार तुमसे इनसे प्यार करीला तो उनसे प्यार करीला ये केवल दिखावा होता है। प्यार जीवन में केवल एक बार होता है। ए भैया कहानी शुरुआत भाई लजम कलाई लगल कैसन कहानी बा कहाँ का कहानी बा आवा भैया
मुंबई नगरी में कुरला बड़ा सरनामी है, मुंबई नगरी में कुरला बड़ा सरनामी है, निषाद रंपत भोलू बेटा बड़ा नामी है। झलक जाइए बाबू रउआ सब लोग जाना तनी कि महाराष्ट्र मुंबई अनि सबके पता बा कहानी मुंबई से लिहल गई। ए भैया जब मुंबई में जाई तो एगो दादर स्टेशन बा, दादर स्टेशन से आगे जाई तो साइन बा, साइन स्टेशन से एक स्टेशन आगे जाई जब तो माटुंगा बा, माटुंगा से एक स्टेशन जेकर नाम कुरला बतावल गई, कुरला से मात्र 3 स्टेशन जाई तो जौना कंपनी खातिर हमी बिरहा गा रहल बनी, भीम एंटरटेनमेंट का ऑफिस बा। ए बाबू कुरला कर रहे वाला, कुरला कर रहे वाला निषाद रंपत जेकर नाम बतावल गई, निषाद रंपत का बेटा जेकर नाम भोलू बतावल गई। ए भैया भोलू प्रतिदिन जा करके मछली का दुकान खोले, जात का निशान प्रतिदिन मछली का दुकान लगाया करता था। वह दुकानिया पे एगो करोड़पति कलई की फोर व्हीलर में जाए अल्लख देख अब भोलू के देख के चली आवे। फिर दूसरा दिन जब होखे फिर दूसर का दिनों कर उहे काम रहे, जाए एक आध 2 किलो मछली ले, अब मछली लेके आवे पार्टी ओर्टी करे, मने ओकर हकीकत ही रहे कि जाए के जोन भोलू मछली बेचे वो मछुआरा के रोज देखे जाए। ए भैया एक दिन भोलू के बोला के कलस देखा भोलू एगो काम करा तोहरा पे हमार दिल आ गई, हम तोहसे प्यार करीला, हमरे प्यार के इनकार मत करिया। भोलू लगल ऊपरा से नीचवा तिकवे, विशाल भैया कहे लगल कि देखा तू करोड़पति का लड़की हो, हम एगो गरीब घर के बेटा हैं, मछली का धंधा करके अपन जीवन परवरिश करीला, आई है मछली बेच के अपन बाबूजी के अपन माई के अपन अनिपुरा परिवार का खर्चा हम देखीला, तो हमरे बस का बात नहीं है, आप बड़ घर का बेटी हो, यदि कोई के पता चल जाए तो हमार कौन हालत हुई। कलश नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो प्यार करूंगी और प्यार करती रहूंगी, आजीवन प्यार करूंगी। भैल का भैया विराह में गीत लग गई, हाय 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 यह गीत के अंदाज बा। कोनो मरद का आज पहली पहली रात बा, पहली पहली रात में जब घरवा में ढूकल हो तब मेहरारू घूघट के यार्ड में बिया, मरद अपना मेहरारू से कहे का कहे कहां करतारू अबले हमके देखवाना। ए धनिया बड़ा लेट होता, एगो काम करा कि का करता
हमके देखावना लेकिन काहे कह दिली जानत हुआ उल्लैकी भोलू से कहे का कहे लगली सुनो ज्योति उल्लैकिया का नाम ज्योति बतावल गई ज्योति कल से ए भोलू देखा हाय हमार दिल मत दुखिया एगो काम करिया का जानत हुआ कि अभी हम पढ़त हैं ना लेकिन हमार पढ़े में एक क्षण मन नहीं लगत है जब ही उठीला बैठीला कुछ खाईला पीला तभी तोहार चेहरा हमारे आंख के सामने ना चेला देखो हमार प्यार के मुठुक रही है विशाल भैया गौर करेंगे वो लड़का एक बात कहा क्या बोला भोलू पीछे जानी पड़ा माना बतिया
से होली ना पढ़ाइए ज्योति कलश है बोलू। जब तू मछरिया बेचेला ना तो हमरे दिलवा में अलग से तूफान उठेला। तोहरे खातिर आई जौन जैसे सौरवा तड़पड़ातन, आई जैसे गरैया को मछरिया तड़पड़ातन, तोहरे बदे वैसे हम तड़पड़ाई लाए बोलो। एगो काम करा, हमके अपना ला, हमके अपना ला तू। बोलू कलश देखा साहब, यहां से चल जा, हमार जिंदगी आ जवाल मत करा। हम मछली बेचत हई तो हमके मछलिये बेचे दा, हमके प्यार के चक्कर में मत फसावा। भइल का भैया बिरहा में गीत चेंज हो गई। आए हाय हाय हाय, इहे गीत के अंदाज बा। कोनो नई नवेली दुल्हन सोचे तड़ी या कह तड़ी का, अरे सेज चढ़त डर लोगे मोरी गोइया, अरे सेज चढ़त डर लोगे मोरी गोइया, सैया घुघट पट खोले हो राजा, घुघट पाती खोले मत। बोलू कल साहब जाए दा, हम मछली बेचे थी तो हमके मछलिये बेचे दा, हमरे जिंदगी में जहर मत बोवा। ए बाबू एक दिन भइल ह का, शादी में मौसी के घर गईली ज्योति, शादी में मौसी के घर गईली ज्योति, भोलू पे पड़लिया फतिया हो, भोलू पे पड़लिया फतिया। दूसर के दिन ज्योति गईल, बोलू से कॉलेज के बोलू हम दो चार दिन अब आई नहीं, ए लिए कि हमरे मौसी के घरे भी यहाँ पड़ल बा। बोलू कॉलेज अरे यार जा तो हमरे पीछे काहे के पड़ल हो, लेकिन एक तरफा प्यार था। बतावल जला कि विशाल भैया जब दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, प्यार अंधा होला, प्यार गोर करिया मोट पातर नहीं देखेला। ये बाबू भैया आखिर में भइल का ये बाबू, बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे। ज्योति वहर गईल अपने मौसी की हाँ, अयहर भोलू का भइल, ट्रक से भइल एक्सीडेंट वो ही घरिया, देखी देखी रोवे दोनों पर से नजरिया, देखी देखी रोवे दोनों पर से नजरिया, बेटवा के घरली भी पतिया हो, बेटवा पे गिरली बेटवा पे
संगे साहब भोलू मछली लेके जात हुवन दुकान लगावे खतिन। ए भैया तब तक एगो ट्रक से टकरा गिलन। आ जब ट्रक से टकरैलन हो बाबू तो गिरलन, खून से पूरा शरीर लतपत बा। लोगन का भीड़ जुट गईल, लोग इकट्ठा होके देखत हुवन। पता चलल माई बाबू के, माई बाबू आके देखलन हो बाबू कि बेटा का भोलू का शरीर पूरा खून से भीगल बा। उठा के लेके गईलन हो बाबू एम्बुलेंस द्वारा नालंदा हॉस्पिटल में। और जब नालंदा हॉस्पिटल में लेके गईलन हो बाबू, डॉक्टर देखा और चेक किया, बताया क्या, नालंदा हॉस्पिटल में अरवग भर्ती हुआ कुमार, हड्डी चखना चूर भइल पाव कटल उस बार। ए बाबू डॉक्टर देखा और देख के लेके गईल हुआ, चेक करत हुआ, बाद में का पता चलल कि भोलू का पैरवे कुचला गईल बा। आ एक पैर से भोलू लंगड़ हो गईलन, एगो पैरवे पूरा कटा के निकला गईल हो बाबू। माई बाबू तो सोचत हुवन कि गरीबी का जिंदगी बा, बेटे रहल कि जोन बेटा जिंदगी का सहारा रहल हो बाबू। आज हो बेटा हमार अपाइज हो गईल। माई बाबू गरीबी के जिंदगी में देखी दवाई तक करावत हुवन, कुछ दिन बीतल बा। यहर दुई चार दिन के बाद जब मौसी के घरे से ज्योति वापस आइल बा तो वही जगह जा करके जहां भोलू मछलियां बेचत रहे, वही जगह एक दिन दुई दिन चार दिन जा के बराबर प्रतिदिन जाए और देख देख के चली आवे। एक दिन मनवे मन सोचे लगल भोलू तोहके आखिर में हमसे कवन ऐसन गलती भइल कि हमसे दूर हो गीला, तू मछली भी बेचल छोड़ देला। ए बाबू ओ ज्योति के पता नहीं रहे कि ऐसन दुर्घटना घटल बा भोलू के साथ में। भैया बहिल का बिरहा में गीत लग गई, कोनो बिरहिन का दिल का वेदना बा। किरे लिया रे हो ले चल सवारी बाबू, जैसे मछरी तल पड़ा ले जल बिना हो पंचो, ओइसा रोज देखे ज्योति जाए वह दुकान से देख के आ फिर अपने घरे चली आवे। तड़पे ओइसे ही आ कहे का कहे ना ही आवे लेके ज्योति रोवे कि भोलू से केवल एक बार मुलाकात हो जा, एक बार भोलू से मुलाकात हो जाता हम अपने दिल की बात कह देती। ए भैया यही बीच में ज्योति का बाबूजी कलन, ज्योति एगो काम करा, तोहरे खातिर एगो बड़ा सुघर लड़का देखले बनी।
हमरा में जाल्टी कमा लड़का, यदि हम करोड़पति हैं तो हमसे दुगना होकर औकात बा। एगो काम करा, तू हाँ हाँ भरला, अब बहुत जल्दी ओकरा संगे हम तोहर शादी कर दई। ए भैया, यार तो भोलू का हालत खराब भइल बा, एक पैर से अपाहिज हुवन, अपने घरे हुवन दवाई दर पर चलत बा, आ यहर तो ज्योति के चैन नहीं पड़त बा। लेकिन भैया बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, एक तरफा प्यार बड़ा खतरनाक होला। ज्योति प्यार में पागल बा, बाबूजी कहत न ब्याह करे के, यहर बाबुओ जी के बात नहीं खे काट सकत, और हर प्यार में दिल में करार भी बा। ए भैया बहिल का बिरह में गीत चेंज हो गई। ये गीत के लाइन बा, माता बहिन लोग बड़ा प्यार से गावेली। झझर मड़ुआ जनिछा अवई हाँ ये बाबा हो, झझर मड़ुआ जनिछा अवई हाँ ये बाबा हो, लगी है शुरू जावा के जोत हो। नैहर के लोगावा हो, आधे में बैठे हमरे नैहर के लोगावा हो, आधे में सजना हमार हो, आधे में दोन तारा ना बा भैया, हंसी मजाक तनी सा, लेकिन आप लोग विराह से ध्यान मत हटाए। देखे आज वो ज्योति करे का दिलवा से बिसरे नाही, दिलवा से बिसरे नाही भोलू के सुरतिया हो, दिलवा से बिसरे नाही भोलू के सुरतिया हो, ज्योति रोवेली धरे लो। पागल ज्योति हो बाबू, सुतल बा बिस्तरा पे वो तकिया लेके रोवे, अखिया से आंसू झरझर झरझर चले, आए अपने मन में मन सोच के एक थे बात कहे, का कहे, प्रीतिया लगाए काहे हमें बिसरा वाला हो, लरिया बना वाला हो, ए बोलू ए बोलू, एक बार तू आ जीता ना, तुझसे एक बार मिल लेती, एक बार मिल लेती तो हमरे दिल के सुकून मिल जात। ए बोलू एक थे हमार बात सुना ना, तुझसे प्यार कैले ही, यदि हमार आवाज तोहरे तक जात हो तो हमार बात सुन ला बोलू, कवन कसूर हमसे भैली गोसैया हो, कवन कसूर हमसे भैली गोसैया हो, गैला तू नहीं के तोड़ हो, भोल
के प्यार में ज्योति इतना रोवे हो बाबू कि रोवत रोत ओकर तकियवा भीज जा। ए भैया लेकिन भइल का यहाँ बिरह के शैली में बतावे के पड़ल। और तकाजा करती गोरी रह गई आली बिन कली तड़पती कहाँ पर इला राजा यार हो राजा यार हो राजा। ए बाबू न दिन में चैन बा न रात में चैन बा दिल बेचैन बा। ए बाबू लेकिन देखी यहर ज्योति का बाबूजी ब्याह तय कह दिलन एक महीना के अंदर ब्याह हुआ का डेट फिक्स हो गई। अब उ दिन आ गई कि जौने दिन ज्योति दुल्हन बन के अपने ससुराल जाए वाली बा। ओ दिने हो बाबू घराती पक्ष का लोग बाराती पक्ष का लोग बड़ा खुश हुआ बहुत ही दान दहेज दे करके बहुत दौलत दे करके शादी किए। और जब शादी कैलन तो देखी विदाई भइल आ जब विदाई भइल तो भइल का पापट के अंदाज में बतावे के पड़ल। अरे अपन दुल्हन ज्योति आई ससुरार कार के अंदर में हो गई दिल कहीं औरी बा और इलाश रूपी शरीर कहीं औरी जा रहल बा। ए भैया मनवा मन सोच के वही दुल्हा वाले कार में ज्योति बैठ के रोवत बा लेकिन ज्योति का जवन दुल्हा रहे वो दुल्हा वही कारे में समझावत बा कि ज्योति तू रोवा मत तू ये मत सोचा कि हम अपने ससुराल में जाते हैं। अरे आज तू बर्दाश्त करा अकाल हो तो सुबेरे तो हके हम करब का। उ दुल्हा कहता ज्योति से का कहलस सुबह की बेला चलो साथ में अरे तुमको सवर घुमाएंगे हर चट्टी चौराहे ऊपर जल जल पान कराएंगे। अरे सुबह चलली गाड़ी में तुरंत बिठाई कार के अंदर में अरे कुछ आगे बोलू से कार टकराई कार के अंदर में। बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे दुल्हन के रूप में ज्योति गई घर और दुल्हा के कहने के मुताबिक जब सुबह हुआ कलश ज्योति तैयार हो जाओ कल मैं तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हें मैं घर से बाहर ले चलूंगा घुमाने। ए भैया ज्योति तैयार भइली हां दिखावटी तो मुंह पे चेहरा पे मुस्कान बा लेकिन अंदर ही अंदर दिल रोवत बा लेकिन वो बेचारी करे तो क्या करे। ए भैया गईली गाड़ी में बैठली ए भैया ड्राइवर के रूप में ज्योति का पति कहा कि देखो आज हमारा और तुम्हारा पहला दिन है हमारे तुम्हारे बीच में तीसरवा कोई ना हो हम ड्राइविंग करेंगे और तुम बैठो हम लोग चलेंगे साथ में मौज मस्ती करेंगे और टहलेंगे घूमेंगे। ए भैया गाड़ी से लेके निकलल बा और वही समय भगवान का मर्जी हो बाबू वही नालंदा हॉस्पिटल में भोलू आपन दवाई खातिर गई रहल हाँ भोलू का दवाई खत्म हो गई रहल सचल कि चली हम दवाई अपन हॉस्पिटल में ले ले दवाइया लेके हॉस्पिटल से बाहर निकलत हो तीन पहिया उनकर साइकिल बा विकलांग वाला वही साइकिलिया पर बैठ करके जो कुछ दूर गईलन हो बाबू तबले एक ओर से एगो कार आई और कार एक्सीडेंट कैलस आ जब कार में टकराई तीन पहिया साइकिल जाके ओने आई इधर भोलू एक तरफ गिर गईलन
आ जब भोलू एक तरफ गिरलन तोहर जौन चर चक्का बा रोड के डिवाइडर से जाके जौने समय टकराइल हो बाबू उस समय स्टेरिंग जा करके सीना पे बैठ गई आयने भोलू का आंख में एगो गिट्टी चल गई हो बाबू और जब अखिया में गिट्टी गई हो पंचो तो पूरा खून से शरीर भीगत चल जा रहल बा लेकिन भाईल का अल्लाह के लाइन में प्रमाण मिलल तबले चार चक्का एगो आइल आ चार चक्का से भोलू का साइकिल टकरा गईल आ जब चार चक्का से भोलू का साइकिल टकराइल हो बाबू साइकिल जाके वहर फेकाइल आ भोलू एक तरफ फेकैलन आखिर में भइल का लोगन का भीड़ लग गई आ जब लोगन का भीड़ जुटल बा त देखी वही नालंदा हॉस्पिटल में कैलन हन लोग का नालंदा हॉस्पिटल भर्ती करवैला भैया छोड़ के सुगनामा हो गइल बा पराय फान के लेके गइलन ओही नालंदा हॉस्पिटल में उपचार शुरू बा हो भैया लेकिन एक तरफ एक आंख से खून चलत बा दूसरी बेड पर ओ है कौन वो कौन था ओही ज्योति का पति स्टेरिंग से ज्यादा चोट आ गई दबाव ज्यादा हो गई ले भैया डॉक्टर जवाब दे दिया कि आई एम सॉरी आखिर में क्या हुआ इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा लेकिन ए भैया जब निगाह ज्योति का गईल बा भोलू के ऊपर ए भैया एक तरफ पति की लाश दूसरे तरफ प्यार ए भैया लगल अखिया से आंसू झरझर झरझर चुए
पति कल्ला छोड़ के भोलू के नजदीक गेलिन रे भोलू भोलू कैसन तू हालत बनैले बड़ा भोलू आंख में तो पट्टी हमरे वजह से लगल भोलू हमरा गाड़ी के टकरैला के वजह से लगल भोलू लेकिन लेकिन इतोहार पैर कैसे गायब हो गईल भोलू इतोहार पैर कैसे कटा गईल भोलू का हम कुछ जान सकत है भोलू हमार कुछ अधिकार रह बोलू तू तो हमके प्यार करे के इजाजत नहीं देला बोलू लेकिन खाली इतना बता दा बोलू कि तुहार पैर कैसे कटाइल आंख में आंसू बोलू लेकर के बोल रहा ज्योति का हम तो के अपन बीतल बात बताई तू हमसे जोने दिनवा कही के गईलू कि बोलू हम जाती अपने मौसी के यहाँ हमरे शादी बा ओही दिन मछली का दुकान लगावे खातिर मछली लेके आवत रही एगो ट्रक से टकरा गेली जोने हॉस्पिटल में आज हो न यही हॉस्पिटल में लोग लेके हमार माई बाबू लेके अलन आ यही हॉस्पिटल में हमार पैर कटा गई ज्योति एक तरफ है बाबू अपने पति के लाश देखे दूसरे तरफ आंख पे बना हुआ पट्टी कटा हुआ पैर ए बाबू कलेजा तो दहल गईल रोवत बा लेकिन फिर अपने दिल के धीरज बधावत बा देखी भइल का भैया यार तो ज्योति का पति के लोग लेके गईलन अंतिम दाह संस्कार हो गईल और दूसरे तरफ ज्योति सोचने लगी कि है तो मेरा प्यार ही ए भैया रुपया पैसा जौन भी रहल ले आए के हॉस्पिटल में जमा कैली दवाई दर्पण होखे लगल आ जब दवाई दर्पण होखे लगल ससुरार वालन के पता चलल कि ज्योति वो अपाहिज के ले जाके पैसा जमा कैली जौन आँख का इलाज चलत बा त ससुरार वाला एगो बात कलन का कलो भैया खड़ी के अंदाज में ससुरार वाला बोली को बोली बोले लगलन हो बाबू विधवा के रूप में ज्योति सोचे लगल मन में कि आखिर हम जिंदगी कैसे जी अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाई क्या ससुरे से गईली विकलांग पास आई आकर जाई लाज वाला तिगली चुका आई कैलु सथमा भारी दकवालू टवलू थतिया ए भैया बोली कु बोली ससुरार वाला बोले लगलन ज्योति अपना बैग उठाई और सीधे भोलू के पास चली आई जाके भोलू के सामने खड़ा होके लगल रोवे कलश भोलू अब तो हाँ कदा भोलू अब तो हमके अपना ला भोलू अब हमार दुनिया में कोई नहीं तोहरे सिवा हो हमके ऐसन लगत था भोलू भोलू के आंख में आंसू भोलू कहे लगल कि अरे ज्योति तू का पागल भइल बड़ू पागल बन के अपन जिंदगी मत हमरे साथ बर्बाद करा ज्योति अरे हम तब खुद अपाहिज बानी ज्योति हम पैर से चल नहीं सकत ही हम दुई वक्त रोटी कैसे जुटाई ज्योति कैसे हम जियब कैसे तोके जियाई ज्योति ज्योति कलस ना ना बोलू तू गलत सोचत हुआ भोलू तुझसे प्यार कैले अब प्यार का मतलब ई होला भोलू चाहे अच्छा होखे या बुरा होखे हर पल साथ निभावल जाला भोलू ए भोलू तू
तू अपनी जिंदगी का हमके हिस्सा बना ला बोलू, हम तोहार पैर बनल चाहती बोलू, तोहार पैर बन के जीवन भर तोहार सेवा कर चाहतनी बोलू। ए भैया जोने समय बोलू इतना बात सुनलन ज्योति के गरे से लगा लेलन वो बाबू देखे यहाँ भैल का। सब्जी के दुकान वहाँ ज्योति खोलवावे आ भोलू के संग में रह के जीवन बितावे। ए भैया वहाँ जा करके सब्जी का दुकान खोलवा दिली, दोनों प्राणी अपन मिलजुल के काम करे, जिंदगी अपन करे लगलन हो भैया भैल का। मिलन भैल दोनों का तब पूरा सतवा खैलू भारी धोखवा लुटवलू थती। हरी गुरु गणेश की हरी भरी फुलवारी, कहते बच्चन कभी चंदिका होती सदा होनहारी। अरे तकाजा करती गोरी रह गई, ए हो तकाजा करती गोरी रह गई, तसीमा राम